स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टू की उर्दू की बुक है। इसमें आपको पहले पढ़ाया गया है, लेसन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ा दिए हैं। सबक 4 निखत की पुलवारी आपने खूब पढ़ा है दिल लगा के। आज ये गिनतियों का खेल है, पांचवा लेसन यानी सबक 5 गिनतियों का खेल है। गिनतियों का खेल, प्ले विथ नंबर्स। बीमार, आप इन अल्फाज को दोहराइए, थोड़ा आवाज़ लगा के पढ़िए, साथ साथ पढ़िए। बीमार, डिग्री, शेर, जंगल, शिकार। तो आपको कह दिया जाए, जुमला बनाइए, क्या कहेंगे? शेर बीमार पड़ गया, ठीक है, उसे 100 डिग्री बुखार थी, बुखार था, उसे 100 डिग्री बुखार था। शेर जंगल का राजा होता है, ये भी तो शेर जंगल का राजा होता है, इससे भी हो जाएगा, दोनों एक से बन जाएगा, लेकिन अलग बनाइएगा, ठीक है। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और कुछ लोग शेर का शिकार करने आए, इस तरह आप जुमला भी बना सकते हैं। पहले आप इसको बार बार पढ़िए और खूबसूरत राइटिंग में लिख के हमको सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि हम समझें कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। एक शेर पड़ा बीमार, गिनतियों का खेल है, 1 से 10 तक चलेगा, गिनतियों का खेल है, फ्रॉम 1 to 10। एक शेर पड़ा बीमार, 2 चूहे तब लाए अनार, 300 डिग्री चढ़ा बुखार, 4-4 पूड़ियाँ दी हर बार, 5 बजे उठ गया शेर, 6 दिन बाद खा गया अनार, 6 दिन बाद खाया अनार, 5 बजे उठ गया शेर, 6 दिन बाद खाया अनार, 7वें दिन वो जंगल घूमा, 8वें दिन किया शिकार, 9वें दिन बाद जो खाया खूब, 9वें दिन बाद जो खाया खूब, 10वें दिन फिर हुआ बीमार। ये सायरा सिद्दीकी की लिखी हुई नज़्म है, एक बार फिर से पढ़िए। एक शेर पड़ा बीमार, 2 चूहे तब लाए अनार, 300 डिग्री चढ़ा बुखार, 4-4 पुड़ियाँ दी हर बार, 5 बजे उठ गया शेर, 6 दिन बाद खाया अनार, 7वें दिन वो जंगल घूमा, 8वें दिन किया शिकार, 9वें दिन बाद जो खाया खूब, 10वें दिन फिर हुआ बीमार। यानी बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप लोग भी खाएंगे, कुछ लोगों को होती है जो मिला खा लिया तो बीमारी वो उन्हें नहीं छोड़ती है, वो बीमार भी पड़ जाते हैं। साफ साफ लिखिए, बार बार पढ़िए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।